हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान असंगठित एवं निर्माण मजदूर संघ इंटक बाड़मेर के तत्वावधान में आज डाक बगले बाड़मेर में मीटिंग कर अहिंसा चौराहे से जिलाधीश कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए पुनः डाक बंगलो बाड़मेर में मीटिंग की गई। इस मौके पर जगदीश राज श्रीमाली राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक राजस्थान, तीसरी बार राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष बनने पर सभी असंगठित मजदूरों ने वीडियो से बात कर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस मीटिंग में जगदीश सिंह चौहान, जिला प्रभारी राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक बाड़मेर जैसलमेर व मुल्तान सिंह, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक बाड़मेर व विजय कुमार मायला महामंत्री इंटक व सभी मजदूर उपस्थित थे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए जैसलमेर के जिला प्रभारी राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक बाड़मेर के जगदीश सिंह चौहान, इन्होंने ये कहा, आज अमावस है, हमारा मजदूरों का डे है, मजदूरों की छुट्टी है और रैली निकालने का मकसद ये है कि जो श्रम विभाग के अधिकारी है वो अभी तक हमारे 4 माह हो गए हमारी मजदूरों की, हमने 200 की लिस्ट भेजी है उनके पास में, लेकिन वे आश्वासन दे रहे हैं कि हम मजदूर कार्ड आपके बनवाएंगे, लेकिन मजदूर कार्ड कम से कम इन्होंने 20 या 30 ही बनाए हैं। 4 माह में अगर 20-30 अगर ये श्रम कार्ड बनाते हैं तो हमारे मजदूर जितने भी हैं वो बहुत दुखी होते हैं। और राजस्थान सरकार द्वारा और श्रम विभाग द्वारा कई योजना हैं, उन योजनाओं को भी ये श्रम विभाग बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो हम मजबूरन अगर ये हमारे को अगर ये मजदूरों की जो है समस्याओं के समाधान नहीं करते हैं तो हम मजबूरन कल जिलाधीश को ज्ञापन देंगे और हम जिलाधीश के ऑफिस के सामने धरना भी देंगे। आज किस तरह की रैली है, कहाँ से गुजरेगी और क्या संदेश? आज की रैली का मकसद यही है कि हम जिलाधीश कार्यालय को ये आगाह करना चाहते हैं कि हमारे मजदूरों की जितने भी श्रम कार्ड है और जो भी है वो उनको निर्देश दे कि तुरंत प्रभाव से ये हमारे श्रमिकों के कार्ड बनाए और जो भी अन्य योजना है उनका ये लाभ दे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।